मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आइए मिलते हैं एक ऐसे योद्धा से जिसके पैर कट जाने के बावजूद भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। एक ऐसे सफल बिजनेसमैन की कहानी जिन्होंने अपने पैर ना होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में कभी अफसोस नहीं किया और सफल बनकर हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवाता हूं कि जिनके बहुत सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी उन्होंने अपने बिजनेस को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया कि जहां पर लोगों का सपना होता है कि हमारा बिजनेस भी वहां तक पहुंचे। तो आइए मिलते हैं आज हम ईगल इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर विपुल शाह को, जो हमें बताएंगे कि उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आने के बावजूद भी उन्होंने अपने बिजनेस को कैसे शुरू किया। तो आइए मिलते हैं मिस्टर विपुल शाह से। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया आपसे मिलने का। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे ये घटना आपके साथ कैसे हुई और उसके बाद कैसे आपने इसको रिकवर किया। सर मैं वो टाइम करीबन 19-20 साल का था, वो टाइम हम ट्रेन में जा रहे थे तो रिटर्न में डोर पे खड़ा था तो वहां से गिर गया और चालू ट्रेन के अंदर आ गया तो उसकी वजह से थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो वो तो जो होने वाला था हो गया। बाद में हमने तो यही देखा कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं और जो भी हमसे मुमकिन था वो हमने किया। राइट राइट राइट। तो सर ये बिजनेस को आपने शुरू किया कौन सी उम्र में शुरू किया? हाँ, करीबन हमने ये बिजनेस शुरू किया करीबन 30 साल की उम्र में। अच्छा, पहले हमने जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब था तो गवर्नमेंट जॉब चालू किया, बाद में हमने ये बिजनेस शुरू किया। अच्छा, तो सर इसके पहले आप जॉब कर रहे थे गवर्नमेंट में। सर आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब लोगों का एक सपना होता है। हाँ। तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आपने ये बिजनेस शुरू किया कैसे, मतलब दिमाग में कैसे आया? पूरा फैमिली बिजनेस में ही था। अच्छा। मैं सिर्फ अकेला जॉब में था तो मेरा भी दिमाग यही चल रहा था कि भाई अपने को बिजनेस करना है। अच्छा, तो जो अंदर से इच्छा हुई तो और पार्टनर भी अच्छे मिल गए तो पार्टनरों के साथ बिजनेस चालू कर दिया। राइट, तो सर इस इंडस्ट्री के बारे में क्या पहले से आपको नॉलेज था कि नहीं? अपने बड़े भाई और सब लोग इसमें ये इंडस्ट्री में थे तो ये इंडस्ट्री में हम आ गए। थोड़ा बहुत अपने पास नॉलेज भी था कि भाई ये इसमें हम चालू कर सकते हैं और अपने पास जो भी था दुकान वो सूनी बाजार के अंदर था तो उसकी वजह से हमने ये बिजनेस चूज कर लिया और इसमें ही आ गए। तो सर ये बिजनेस के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, आपका बिजनेस है क्या और एक्चुअल में आप क्या करते हैं? हमने शुरुआत तो ट्रेडर्स के हिसाब से किया था। शुरू में हमने ज्वेलरी बनाने के लिए जो भी छोटे बड़े टूल्स की जरूरत होती है, छोटे बड़े मशीनों की जरूरत होती है, उसका हमने ट्रेडिंग चालू किया था। अच्छा। लेकिन ट्रेडिंग में क्या हुआ कि हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तो उसकी वजह से स्लोली स्लोली हम मैन्युफैक्चरिंग में आते गए। अच्छा। और बाद में तो अब हम पूरा ही ज़्यादातर पूरा आ गए मैन्युफैक्चरिंग में ही। okay. अब जो भी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए ट्रेडिंग में थोड़ा हमको इश्यू आ रहा था तो उसकी वजह से हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग में आ गई। ओके, तो सर जब बिजनेस आपने शुरू किया था तो क्या क्या चैलेंजेस आए थे? ओह, बहुत सा चैलेंज तो आता रहता है और चैलेंज में से ही कॉन्फिडेंस बनता है और उसमें से ही आगे बढ़ने का कुछ न कुछ नया रास्ता भी मिलता रहता है। राइट। और हमको भी यही हुआ, सबको होता है इसी तरह के भाई चैलेंज आते गए और उसको सोल्व करते गए, जैसे जैसे सोल्व करते गए ऐसे ऐसे कुछ न कुछ नया रास्ता और नई ऊंचाइयां मिलती गई और उससे फायदा भी मिलता गया चैलेंजों का। राइट, राइट। और उससे ही हम आगे बढ़ते गए। और सर ये बिजनेस आपका पार्टनरशिप, आप लोग हाँ, चार पार्टनर है लगभग? हाँ, अभी चार पार्टनर है। तो सर कई बार मैंने लोगों से सुना है पार्टनर्स होते हैं तो वहाँ पे तकलीफ होती है, विचार का मेल मिलाप नहीं हो पाता है, तो सर कैसे आप चारों लोग मिलके? नहीं, अभी हमारे का मतमतांतर तो बहुत होते हैं पार्टनरों में, लेकिन कभी सिर्फ ओपिनियन डिफरेंस रहता है, कभी हम मन से अलग नहीं होते। सबको पता ही है कि सबकी बात एक ही होती है कि भाई चलो कैसे कंपनी को ज़्यादा अच्छा ग्रो करा सकते हैं, बाकी किसी का इरादा नहीं हो सकता ऐसा। हमको एक दूसरे पर पूरा भरोसा है, उसकी वजह से हम कभी मन से कभी अलग नहीं हुए हैं, सिर्फ ओपिनियन अलग रहता है लेकिन उसमें से हमको मन अलग नहीं होने की वजह से रास्ता मिल जाते हैं। मतलब मतभेद होना चाहिए। मतभेद है, होते हैं, लेकिन कभी मनभेद तो हुआ ही नहीं है और होता भी नहीं है। राइट,
तो अभी सर हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ कहाँ पे हम कर रहे हैं और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, कहाँ पे बेचते हैं, क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। हाँ, अभी हम करीबन 60+ कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया है इतने सालों में। अच्छा। और अभी भाई एक ज्वेलरी मशीन, ज्वेलरी का टूल्स, ज्वेलरी के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो सब हम बना रहे हैं। इसके अलावा मेटल फिनिशिंग, सरफेस फिनिशिंग के लिए जो भी इंडस्ट्रियल यूज़ में आता है, जो ज्वेलरी लाइन के अलावा जनरल लाइन में आता है, वो सब भी मशीनें हमने डेवलप किया है और हम बना रहे हैं। इसके साथ हमने ईगल ब्रांड जो तय किया था, वो ईगल ब्रांड भी हमने नॉमिनेट करा लिया है कि रजिस्टर्ड करा लिया है, तो अभी हम ईगल ब्रांड से ही आगे जा रहे हैं। तो सर ये ईगल ब्रांड जो है, ये नाम रखने के पीछे का कोई कारण? नहीं, हमको ईगल नाम इसलिए अच्छा लगा था कि ईगल वर्ड्स ऐसा है कि जो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश ज़्यादातर लैंग्वेज में ईगल ही बोला जाता है। अच्छा। और उसमें ईगल सबको थोड़ा बोलने में ईजी रहता है। अच्छा। और याद भी रह जाएगा थोड़ा बहुत, और सबसे ऊंचा भी उड़ता है। हाँ, आपका भी विचार थोड़ा ऊंचे ही। हाँ, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर जब आप ये बिजनेस करते हैं, जैसे आप 60 कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, सर बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे जो एक्सपोर्ट से डरते हैं, घबराते हैं कि भाई एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है, एक्सपोर्ट हमें करना नहीं आता है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर जो भी चैलेंज तो आएगा ही, ऐसा नहीं है नहीं आएगा चैलेंज, लेकिन वही चैलेंज में से हमको कुछ रास्ता और भी अच्छा मिलेगा और उसमें से ही अपने और अच्छे नई ऊंचाइयों के लिए रास्ता मिलता रहता है। तो चैलेंज तो थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, तो वही चैलेंजों में से ही फायदा मिलता है। राइट। तो सर एक्सपोर्ट मार्केट, जो हमारा लोकल मार्केट है, और एक्सपोर्ट मार्केट में क्या फर्क होता है? ज्यादा क्या होता है कि एक्सपोर्ट मार्केट में ज्यादा अच्छी क्वालिटी मांगी जा रही है। अच्छा। और वो हमारा ये वही मेन बात है कि हम ईगल ब्रांड से जो भी बना रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं। जो गांव में जो स्टैंडर्ड क्वालिटी चल रही है, जो रेगुलर बाजार में ज़्यादा बिकती है, वो हम नहीं बना रहे हैं। हम थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी ही बना रहे हैं और वही प्रीमियम क्वालिटी की डिमांड एक्सपोर्ट में ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो उसकी वजह से हमको थोड़ा और एक्सपोर्ट में थोड़ा बेनिफिट ये भी मिला कि भाई प्रीमियम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होने की वजह से हमको एक्सपोर्ट में थोड़ा ज़्यादा सक्सेस जल्दी मिल गया। सर आपका बैकग्राउंड तो इंजीनियर से नहीं है? नहीं है। तो फिर आज इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हम इतना बड़ा ब्रांड लेकर बैठे, सर ये कैसे हुआ? इसमें क्या है, मेरा पार्टनर जो है वो पढ़ा हुआ इंजीनियर नहीं है, लेकिन गिना हुआ इंजीनियर है। अच्छा। वो उसका इतना अच्छा दिमाग चलता है टेक्निकल बातों में, कुछ भी टेक्निकल इश्यू आता है तो वो बहुत इजीली सॉल्व कर लेता है, कुछ भी जो इंजीनियर लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। वो उससे 10 इंजीनियर मिलके जो दिमाग नहीं चला सकता, वो अकेला इतना अच्छा दिमाग चला लेता है। मतलब ये हम मान सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। हाँ, बिना डिग्री के भी अगर आप मेहनत करो, आप उसमें सीखने की कोशिश करो तो आप कर सकते हैं। जरूर सर, जरूर। राइट राइट। तो सर हमारी कंपनी का विजन क्या है आने वाले 5 या 10 सालों का? सर हम अगले 10 सालों में तो बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, उसका हमने सब डाला हुआ भी है, अपने सामने रखा हुआ भी है कि भाई यही रास्ते पे हमको चलना है, क्या गोल है अपना ये भी तय किया हुआ है, और कौन से रास्ते पे चलना है और चलने के बाद वहाँ क्या क्या होना चाहिए, ये सब कुछ हमने तय किया हुआ ही है और उसके मुताबिक ही हम काम कर रहे हैं, तो अगले 10 साल के बाद वहाँ हम जरूर पहुँचेंगे। राइट। सर आपके इंडस्ट्री में लेबर का एक बहुत चैलेंज आता है, तो वो लेबर के चैलेंज को आप कैसे सॉल्व करते हैं? नहीं, हमारे हिसाब से तो ज़्यादातर ये तो चैलेंज कम रहता है हमारे लिए, क्योंकि हम मानवीय संबंधों पे चल रहे हैं, तो अपने पास जो कोई जो भी लेबर है तो उसको लेबर नहीं गिनते, हम तो अपना परिवार का हिस्सा ही गिनते हैं। ये अपना ईगल मेरा बिजनेस है तो ईगल का परिवार हम मानते हैं, तो हमको तो ऐसा कोई लेबर का बड़ा इश्यू कुछ नहीं आया है अभी तक, और कभी आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि सबका ऐसे तो सब मानवीय है, तो सबका दिमाग एक ही तरीके से सोचता है कि हम इसका कितना अच्छा कर सकते हैं, तो वो उतना हमारा वो अच्छा करते हैं, तो एक दूसरे से मिलजुल के ही हम काम कर रहे हैं। राइट। सर एक पर्सनल सवाल है कि आपके साथ जो एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के बाद में आपके अभी जो आपकी कंडीशन लाइफ है उसमें कोई भी ऐसा कभी आपको महसूस हुआ कि भाई मेरे पास मेरी बॉडी का ऐसा मतलब प्रॉब्लम हुआ है, तो उससे आपके बिजनेस में कोई फर्क पड़ा हो? नहीं, जरा भी नहीं,
क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो फायदा मिला है। अच्छा, मुझे कभी कुछ नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, वो टाइम शायद एक्सीडेंट होने के टाइम मुझे ऐसा लगा कि भाई चलो मेरी मुझे दिक्कत हुई है और मुझे बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है और मैं शायद ये काम नहीं कर सकता हूँ। बाद में तो ऐसा ही सोचना हो गया कि कुछ भी हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू में मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन थोड़ा समय के बाद तो उसमें भी कॉन्फिडेंस आ गया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हुआ वही अच्छा हुआ, उससे ही फायदा मिला हुआ है जो भी जिंदगी में, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली भी बहुत अच्छी मिली है, पार्टनर लोग अच्छे मिले हैं, ये सब स्टाफ भी अच्छा मिला हुआ है। तो सब शायद इसकी पीछे भगवान का ये भी मर्जी हो सकती है कि चलो ये हुआ तो आपको ये दे रहे। अच्छा, तो ये शायद ये नहीं मिला होता मुझे, एक्सीडेंट नहीं हुआ तो शायद ये भी नहीं मिल सकता। तो एक पॉजिटिव नजरिया रखना बहुत जरूरी है। हाँ, पॉजिटिव नजरिया रखना है और बस हम तो बस यही देख रहे हैं कि भाई अभी क्या हमसे अच्छा हो सकता है। सर, जैसे कि आज कोई भी फैक्ट्री हमें बड़ी करनी होती है तो कहते हैं उसमें सिस्टम की और प्रोसेस की बहुत जरूरत है। आपके हिसाब से सर, क्यों एक कंपनी को अपने वहाँ पर सिस्टम या प्रोसेस डेवलप करना चाहिए? क्योंकि हम जो सिस्टम प्रोसेस नहीं करेंगे तो जो भी मेरे दिमाग में है या जो पार्टनरों के दिमाग में है कि भाई हम इस तरह कंपनी चलाना चाहते हैं, वो सबके दिमाग में नहीं आएगा। सबका अपना अपना दिमाग अलग तरीके से चलेगा। अच्छा। उसकी जगह हम सिस्टम प्रोसेस तय कर देंगे और सबको बता देंगे कि भाई हमको इस तरह कंपनी चलाना है, तो सबको क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई हमको इस तरह वर्क करना है और इस तरह हमको कंपनी को आगे ले जाना है। नहीं तो ये उल्टा सुलटा होता है कि भाई एक आदमी नॉर्थ में ले जाएगा कंपनी को, दूसरा साउथ तरफ ले जाएगा, तो हमको जो टारगेटेड रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो उसके लिए सिस्टम प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जब करीबन 5 से 10 टोटल स्टाफ हो जाए उसके बाद तो सिस्टम प्रोसेस के बिना आगे कंपनी नहीं जा पाएगी। 5 से करीबन 5-7 आदमी है तब तक शायद चल जाएगा बिना सिस्टम प्रोसेस से, लेकिन 5-7 आदमी के बाद बढ़ेगा तब तो सिस्टम प्रोसेस पक्का चाहिए ही और चाहिए। तो सर, जब सिस्टम प्रोसेस हम लेकर आते हैं अपनी कंपनी में तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं और आपको क्या क्या चैलेंज आता है? हाँ सर, कुछ भी लोगों को नया लेने के लिए अच्छा नहीं लगता, जो हैबिट हो गई होती है इतने सालों में वही तरीके से सबको चलना होता है। खुद को भी मेरी बात करूँ तो मुझे भी वही करना है कि जो हर इतने सालों से मैं करता रहता हूँ, बाद अभी नया कुछ आया और मुझे वो चेंज लेना होगा जरूरी, तो मैं नहीं लूँगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन शुरू में तो चेंज नहीं लेना ही अच्छा लगता है, लेकिन चेंज लेने के बाद तो उसका फ़ायदा भी थोड़े समय के बाद दिखने लगता है। और तो सर, आपने कैसे लोगों को तैयार किया ये नया चेंज लाने के लिए? तो हम जैसे जैसे हमको जो दिमाग में आता गया कि भाई ये चेंज जरूरी है, किसी आप जैसे गुरुजियों ने सब ने सिखाया कि ये जरूरी है चेंज लेना, तो पहले तो हमको दिमाग में बैठा कि भाई चलो ये जरूरी है ले करना। हम अपने पार्टनरों के साथ डिस्कस किया, वो सब ने भी मिल के बाद में तय किया नहीं इतना चेंज लेना जरूरी है। बाद में अपना ईगल फैमिली वाले सबको, उसमें जो मेन आदमी है कोर टीम वाले, उसको मिला के उससे डिस्कस किया कि भाई ये जरूरी है, अभी हमको करना चाहिए। ऐसे ऐसे हमको सबका कोऑपरेशन मिलता गया और हम सब कुछ करते गए। अभी तो यही है, सब टीम ही काम कर रही है, हम तो कुछ करते नहीं है, वही लोग काम करते हैं। तो सर, आज माने कि अगर कोई एक बंदा आज फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा है और उसको एक ईगल जैसी ब्रांड बनानी हो जो 60 कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर सके, तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है? सर, सबसे पहले तो वो शुरू से ही सिस्टम प्रोसेस डाल देगा तो उसको इजी हो जाएगा। अच्छा। और अभी तो पूरा वर्ल्ड इस तरह डिजिटल सब कुछ हो गया है कि उसको अभी तो ये सब करना जल्दी मोर इजी हो गया है। शुरू में तो अभी हमको जब चालू किया था ऐसा जमाना नहीं था कि भाई ये सब कुछ कैसे क्या चीज़ बन सकती है या क्या कर सकते हैं मार्केटिंग में सेल्स में। अभी तो सब कुछ गूगल पे फ्री में अवेलेबल है कि क्या कुछ किया जा सकता है। तो अभी नया करने वाले के लिए तो ज़्यादा इजी हो गया है कि ये सब कुछ वो जल्दी कर पाएगा। हमने तो ये 25 साल में किया, लेकिन मेरे हिसाब से अभी कोई नया यही चीज़ करना चाहेगा तो 5 साल में इजीली कर लेगा। उसके बावजूद भी सर, बहुत सारे लोग इस चेंज का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? वो नहीं करेगा तो अभी तो क्या है, तो वो जमाने से पीछे रह जाएगा, क्योंकि जमाना तो आगे ही जाना चाहेगा और जा ही रहा है। हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, पूरा वर्ल्ड तो आगे जाने ही वाला है, तो हमको पूरे वर्ल्ड के साथ
रहना है तो हमको भी वही चेंज लेना पड़ेगा अपने में और कंपनी में, और उसी तरह हमको भी काम करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो पीछे ही रह जाने वाले हैं, पक्का है। तो हम आने वाले समय में ईगल को हम कहां पर देख सकते हैं कि सर भविष्य में आने वाले समय में ईगल कहां पर होगा? सर आने वाले समय में हम ज्वेलरी लाइन में सबसे टॉप मोस्ट रहेंगे, इंडिया में फर्स्ट नंबर आ जाएंगे। ये अगले 10 साल का विजन है कि अभी तो हम, पहला विजन है कि राजकोट में आगे आ जाए, बाद में गुजरात में सबसे आगे आ जाए, बाद में इंडिया में सबसे आगे आ जाएंगे। सर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो या तो बिजनेस कर रहे हैं या तो फ्यूचर में करने वाले होंगे, तो आपके इतने बड़े तजुर्बे से आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि एक बिजनेस को अगर उनको छोटे से लेके एक बड़ा व्यापार बनाना है तो क्या उनको आपका सलाह रहेगा? मेन बात ये, अपने से ज्यादा अच्छा प्रोफेशनल सबको वो हायर कर पाएगा। मेरा समझ लो मैं अकाउंट में मास्टर हूँ, तो मुझे मेरे से भी अच्छा अकाउंट वाला मेरे यहाँ जब होगा तब मेरा ग्रोथ जल्दी इजीली हो जाएगा। इसी तरह मुझे हर फील्ड में, हम जो हमारा जो भी नॉलेज है वो फील्ड में, अपने से भी और अच्छा नॉलेज वाला हायर करना पड़ेगा, तभी हम जल्दी ग्रो कर पाएंगे। मतलब हमारी कंपनी में हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग होने चाहिए। हाँ बस, और हर फील्ड में, ऐसा नहीं है अकाउंट में, टेक्निकल में, प्रोडक्शन में, सिस्टम प्रोसेस में, एचआर में, हमारा जो भी नॉलेज है एचआर में, तो हमसे भी दो कदम आगे जो चल सकेगा या जो नॉलेज वाला है उसको ही हायर करना पड़ेगा, तभी हम ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। ग्रेट, बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया। तो ये थे मिस्टर विपुल शाह ईगल इंडस्ट्री से, जो आज राजकोट में एक बहुत बड़ी ब्रांड ईगल के नाम से अपना मशीन, ज्वेलरी टूल्स मशीन बेच रहे हैं और बना भी रहे हैं। हालांकि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है टेक्निकल, उसके बावजूद भी आज इन्होंने इतना बड़ा खड़ा कर दिया है अपने बिजनेस को कि पूरी दुनिया में लगभग 60 कंट्री के अंदर अपना व्यापार कर रहे हैं। तो मैं और आप मिलकर भी कर सकते हैं, और इसके लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया और उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। सर थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया आपसे बात करने का। थैंक यू सर, थैंक यू।